ओम नमः शिवाय मित्रों, जय बजरंग बली। तो आज मैं सुनाऊंगी मंगलवार की व्रत कथा। मंगलवार को अंजनी पुत्र हनुमान जी का उपवास, सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना, व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से हनुमान जी की उस व्यक्ति पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता के रूप में माना जाता है। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ यही है कि हनुमान जी एक लौते ऐसे देवता है जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने से, उनका व्रत रखने से, उनकी पूजा अर्चना करने से, उनकी भक्ति करने से आपको अतुल फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं हनुमान जी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक दाम्पत्य प्रेम पूर्वक रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण से दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार को वन में जाकर हनुमान जी की पूजा किया करता था और उसकी पत्नी भी हनुमान जी की परम भक्त थी, हर मंगलवार का व्रत रखती थी और पति पत्नी दोनों संतान की कामना करते थे। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार की बात है कि किसी कारण से ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी का भोग भी नहीं लग सका। तब उसने प्रणय किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर ही भोजन करेगी। वह 6 दिनों तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन वो मंगलवार व्रत के दौरान वो बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत अधिक प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम भी मंगल रखा। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछने लगा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में हमें यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने अच्छा मौका देखकर बच्चे को ले जाकर कुएं में फेंक दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत और कथा पढ़ते या सुनते हैं उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी के दया के पात्र बनते हैं। तो बोलिए जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।